भारत में पर्यटकों को घूमने के लिए बहुत सी खूबसूरत जगहें हैं। ऊंचे पहाड़, हरे भरे मैदान और खूबसूरत झरने किसी का मन मोह सकते हैं। भारत में कई खूबसूरत झरने हैं जिन्हें देखने लोग दूर दूर से आते हैं। इन्हीं खूबसूरत झरनों में शामिल है गोवा में 1017 फीट की ऊंचाई पर स्थित दूधसागर झरना। यह भारत के सबसे ऊँचे और खूबसूरत झरनों में से एक है। इस झरने में से बहता पानी दूध की तरह सफ़ेद दिखता है, इसलिए इस झरने का नाम दूध सागर रखा गया है। दूध सागर झरने के पास से गुजरती हुई एक ट्रेन का वीडियो सामने आया है जिसमें प्राकृतिक और रेल यात्रा का एक अद्भुत नज़ारा दिख रहा है। इस वीडियो को रेल की तरफ से शेयर किया गया है। रेलवे ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि पश्चिमी घाट में स्थित दूध सागर स्वर्ग है और गोवा और बेंगलोर को जोड़ने वाली रेल लाइन से इस नज़ारे को देखा जा सकता है। रेलवे मंत्रालय की तरफ से शेयर किए गए इस वीडियो में दिख रहा है कि झरने में मांडोवी नदी का पानी गिर रहा है जो बेहद खूबसूरत दिख रहा है। वीडियो में दूध सागर झरने में दूध की तरह सफ़ेद पानी तेजी से गिरता दिख रहा है। मानसून के दौरान झरने में पानी का बहाव तेज हो जाता है। मांडोवी नदी के पश्चिमी घाट से पणजी तक जाते समय बीच में दूध सागर जलप्रपात पड़ता है। ये खूबसूरत झरना भगवान महावीर सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क में स्थित है। मांडोवी नदी कर्नाटक के बेलगावी से निकलती है और गोवा की राजधानी पणजी से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। दूध सागर झरना भारत के सबसे ऊँचे जलप्रपात में शामिल है। इसकी ऊंचाई लगभग 310 मीटर है। इससे पहले भी रेलवे ने दूध सागर वाटरफॉल का वीडियो शेयर किया था। उस समय भारी बारिश की वजह से दूध सागर वाटरफॉल पर ट्रेन को रोक दिया गया था। रेल मंत्रालय द्वारा शेयर किए गए वीडियो में दिख रहा था कि मांडोवी नदी पर वाटरफॉल से बड़ी मात्रा में पानी गिर रहा है और जैसे लग रहा था कि चारों तरफ धुआं ही धुआं है। रेलवे द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया यह वीडियो बेहद खूबसूरत है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।